चलिए आज हम डिटेल कंपेयर करने वाले हैं लावा अग्नि 2 5G और रियलमी 10 प्रो प्लस दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों मोबाइल्स में से सबसे बेस्ट मोबाइल कौन सा है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले से शुरुआत कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करें तो लावा अग्नि 2 5G डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला 396 PPI वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले रिफ्रेश 120Hz है, 950 nits अधिकतम ब्राइटनेस है, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पर मिल जाता है, HDR 10 प्लस भी सपोर्ट करता है। वहीं 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला 394 PPI वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, ये भी HDR 10 प्लस सपोर्टेड करता है और 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। अधिकतम ब्राइटनेस 800 nits दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें भी आता है। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा फीचर्स लावा अग्नि 2 5G का बेटर आ जाता है। वहीं बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अग्नि 2 5G के बैक में प्लास्टिक यूज किया गया है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। इसकी वेट 210 ग्राम है, मोटाई 8.75 mm है। वहीं 10 प्रो प्लस की बात करें तो बैक और फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया, 175 ग्राम इसका वजन है, 8 mm इसकी मोटाई है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी लगभग में समान कह सकते हैं, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा लावा अग्नि 2 5G का बेटर लगेगा। खैर ये डिजाइन आप पे निर्भर करता है कि आप किसको बेटर मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है परफॉर्मेंस। अग्नि 2 5G की बात करें तो इसमें क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 दिया गया, एंड्रॉइड 14 और 15 का भी अपडेट आपको मिलेगा। तो क्लीन OS आपके मोबाइल को बहुत ही फास्ट रन करता है। इसमें ब्लॉटवेयर कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जो कि इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसमें परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डेमसिटी 1750 चिपसेट दिया गया, 6 नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ ये चिपसेट। रैम की बात करें तो 8 GB रैम दिया गया है, LPDDR4X रैम है। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB स्टोरेज दिया गया, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। 8 GB तक एक्स्ट्रा आप रैम को बढ़ा भी सकते हैं। वहीं 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 13 दिया गया है, रियलमी UI 4.0 दिया गया है। इसमें क्लीन OS नहीं आता है, इसमें ब्लॉटवेयर आएगा और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएगा, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंट करता है। मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं लगता, लावा इस मामले में बहुत ही बेटर देता है। वहीं मीडियाटेक डायमसिटी 1080 चिपसेट दिया गया है। मीडियाटेक डायमसिटी 750 और मीडियाटेक डायमसिटी 1080 दोनों एक ही प्रोसेसर है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया, तो प्रोसेसर के मामले में दोनों बराबर ही है। वहीं रैम की बात करें तो रैम पेनिट्रेशन में 6 GB 8 GB 12 GB मिल जाता है। इसमें भी रैम टाइप LPDDR4X दिया गया है, स्टोरेज 256 GB मिल जाता है और UFS 2.2 दिया गया है स्टोरेज टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा की बात कर लेते हैं तो लावा अग्नि 2 5G में 4 कैमरा दिया गया है। रियलमी मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का डेप्थ कैमरा। तो कैमरा के मामले में कंपनी का कहना है कि बहुत ही अच्छा कैमरा है इस प्राइस रेंज में। और 4K वीडियो 30 FPS पे आप रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS सपोर्टेड नहीं है, EIS सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं रियलमी 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें मेन कैमरा 108 MP का, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 MP का दिया गया है तीसरा कैमरा। तो 3 कैमरा रियर में मिल जाता है, इसमें भी 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें OIS सपोर्टेड नहीं मिलता है, EIS सपोर्ट दिया गया है। इसमें भी 16 MP का फ्रंट कैमरा और 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। कैमरा के मामले में थोड़ा सा प्लस पॉइंट कह सकते हैं लावा अग्नि 2 5G को। प्रैक्टिकली डिपेंड करेगा कि कौन सा कैमरा बेटर है। बैटरी की बात कर ले तो लावा अग्नि 2 5G में 4700mAh की बैटरी और 66W का फास्ट चार्जर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि 50% 16 मिनट में चार्ज हो जाएगा। वहीं रियलमी 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी और 66W का फास्ट चार्जर दिया गया है, ये 50% आपको 17 मिनट में चार्ज करके दे देगा, ऐसा है कंपनी का कहना। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो लावा अग्नि 2 5G में 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। SD कार्ड सपोर्टेड नहीं मिलता है, Wi-Fi 6 दिया गया है, NFC दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है, USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है और 5G 13 बैंड के साथ आता है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट कह सकते हैं। और वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया है, हैप्टिक रिस्पॉन्स भी दिया गया है, गेमिंग के लिए अच्छा होता है। 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें ना ही 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया, ना ही SD कार्ड दिया गया है, Wi-Fi 6 दिया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है, NFC भी नहीं आता, रेडियो भी नहीं आता है। और इसमें 5G वेंट 8 ही 5G वेंट दिया गया है, जो कि डिसअपॉइंट करता है। तो अदर फीचर में लावा अग्नि 2 5G बहुत ही बेटर आ जाता है रियलमी 10 प्रो प्लस के मामले से। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस।
प्राइस देखते हैं कितना प्राइस रखा गया। लावा अग्नि 2 5G की बात करें तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 19,999 रुपया रखा गया है। वहीं रियलमी 10 प्रो प्लस की बात करें तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 27,999 रुपया रखा गया है। मतलब 7,000 का डिफरेंस है। तो दोनों मोबाइल में लगभग में इक्वल फीचर है लेकिन 7,000 का डिफरेंस है। ऑब्वियसली लावा अग्नि 2 5G मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मोबाइल है रियलमी 10 प्रो प्लस के कंपेयर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।